स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर को इकोनॉमिक्स का, जो आप लोग के लिए एकदम नया, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में आज तक मैक्सिमम जगह पे होता क्या है ना कि एसएसटी क्लास एट तक सिर्फ तीन पार्ट्स में होता है, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये इकोनॉमिक्स क्लास नाइन्थ से इंक्लूड होता है, एनसीईआरटी में क्लास नाइन से है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स हम लोगों के लिए एकदम नया क्लास नाइन्थ के लिए, तो आज इसी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक कहानी पढ़ना है एक विलेज के बारे में, जिस विलेज का नाम क्या है, पालमपुर, ठीक है। इसके बारे में स्टोरी पढ़ना है। पहले ही समझ लेते हैं हम लोग कि पालमपुर जो है, हो सकता है रियल में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इस बुक में, इस एनसीईआरटी बुक में जिस पालमपुर का जिक्र किया गया है, बात किया गया है, वो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी विलेज है, यानी प्रैक्टिकल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एक इमेजिनरी विलेज का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि किस तरीके से विलेज होना चाहिए, क्या क्या जरूरत पड़ता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है, क्लियर है। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर हम लोग, चैप्टर वन, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सबसे पहले विलेज पालमपुर, पहला समझ में आ गया कि हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। दूसरा, उस विलेज में ज्यादातर लोग जो थे वो फार्मिंग क्या करते थे। मैक्सिमम गांव में तो सिंपल यही काम होता है, ज्यादातर लोग कौन सा काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। कुछ लोग, ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते थे। अब यही फर्क करना, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग, नया नया वर्ड हम लोग जुड़ते जाएंगे। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होता है, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मोटे पैमाने पर कुछ बनाते थे, हैंडमेड थिंग्स, ठीक है, समझ लो टोकरी बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हाथ से कुछ छोटा मोटा होता है ना, क्राफ्ट वगैरह बनाना, तो वो सब बना रहे हैं। डेयरी का काम क्या करते थे, डेयरी मीन्स से रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करते थे, ये सब स्मॉल स्केल काम हुआ करता था वहां पे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के तौर पे, फार्मिंग एक्टिविटीज, खेती का काम, और उसके अलावा ये सब चीज काम होता था। इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे वही बताएगा, कोई भी चीज को बनाने के लिए रिसोर्सेस का जरूरत होता है, रिसोर्सेस का, संसाधन का। क्लास एट से रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हुए, इस क्लास में भी हम लोग रिसोर्सेस के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेस का जरूरत पड़ता है, वो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, यानी कुदरती तौर पर मिला हुआ, मैन मेड रिसोर्सेज हो सकता है, यानी इंसानों के द्वारा दिया गया, और ये सब चीज है। अब इसमें इंसान का एफर्ट्स लगेगा तभी, यानी ह्यूमन एफर्ट्स और पैसा, ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन से, और भी बहुत सारा चीज होता है, आगे जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे इसको डील करेंगे, ये सब चीज का कॉम्बिनेशन से होता क्या है, आपका नया चीज का प्रोडक्शन होता है, क्लियर है, आ रहा बात समझ में। अब सबसे पहले आते हैं इस स्टोरी में, पालमपुर में, और जानते हैं पालमपुर के हालात को, कि पालमपुर कैसा था, क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले पालमपुर के बारे में बताया जा रहा है कि पालमपुर जो है अपने अगल बगल के गांव से, अगल बगल के गांव से वेल कनेक्टेड था, बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था, ठीक है। सबसे नजदीक में जो सबसे बड़ा गांव था, सबसे बड़ा गांव, ठीक है, वो था रायगंज। कौन सा गांव था, रायगंज, जो लगभग पालमपुर से 3 किलोमीटर का दूरी पे था, 3 किलोमीटर का दूरी पे था। अब पालमपुर और रायगंज को जोड़ने वाला जो रोड था, ये ऑल वेदर रोड था। अब यहां से एक नया वर्ड आया, ऑल वेदर रोड, क्या होता है ये, तो ऑल वेदर रोड का मतलब जो हर वेदर में जो रोड चले, ठीक है, जैसे बहुत सारा मोहरम का रोड होता है तो बरसात में खराब हो जाता है, होता है ना, तो ऑल वेदर रोड का मतलब कि चाहे जो भी मौसम हो, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो रोड क्या हो, अच्छा रहे। ये क्या